आज हम देखेंगे जी नॉन मेटल्स को डिटेल में, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को, केमिकल प्रॉपर्टीज को, कंपैरिजन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन्स। जो हमारे पास हैलोजन्स हैं ग्रुप 17 की, जिसमें हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटीन आ जाती है, उनकी प्रॉपर्टीज को हमने कंपेयर करना है। पहले देख लेते हैं नॉन मेटल्स क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को, उसके बाद हम हैलोजन्स पे आएंगे। ये आपको यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल राइट साइड पर जो नज़र आ रही हैं ऑरेंज कलर में, वो आपकी नॉन मेटल्स हैं। येलो कलर में मेटलॉइड्स हैं और रेड कलर में मेटल्स हैं, राइट जी। अगेन यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है मेटल्स को, मेटलॉइड्स को और नॉन मेटल्स को, ब्लू में, ग्रीन में और येलो में। तो आपको इससे अंदाज़ा हो गया होगा कि जो नॉन मेटल्स हैं वो पीरियोडिक टेबल के किस साइड पर प्रेजेंट होती हैं, राइट साइड पे। चलें जी बात कर लेते हैं जी नॉन मेटल्स क्या होती हैं। यहाँ पर आपको एक बड़ा मज़े का इमेज भी नज़र आ रहा होगा, जिसमें आपके पास मेटल है, नॉन मेटल है, दोनों बहुत हैप्पी हैं। क्यों हैप्पी हैं जी? क्योंकि मेटल ने पॉजिटिव चार्ज कैरी किया हुआ है और नॉन मेटल ने नेगेटिव चार्ज कैरी किया हुआ है। तो हमें पता है जी मेटल्स के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती हैं, इसलिए अगर पॉजिटिव चार्ज आता है। और जो नॉन मेटल्स हैं दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दे आर डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इन अदर वर्ड्स नॉन मेटल्स जो हैं वो भूखी होती हैं, तो उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, उनको इलेक्ट्रॉन मिल गया, नेगेटिव बन गई, तो वो भी हैप्पी हैप्पी हो गई। सही हो गया जी। तो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान हमेशा आयोनिक बॉन्ड बनता है। डेफिनेशन देख लेते हैं जी, नॉन मेटल्स फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्यों गेन करती हैं? क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, इसलिए गेन कर लेती हैं और बना देती हैं नेगेटिव आयंस। इन नेगेटिव आयंस को हम नाम देते हैं एन आयंस का। देन हमारे पास है जी, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रही हैं, इसका मतलब भी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन अगर मैं आप लोगों को रिवाइज करवा दूं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है जी? एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी, जो कि नॉन मेटल्स में बहुत ज़्यादा होती है। दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वन इज फ्लोरीन, दैट इज जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास 4 है। इसके अलावा ये एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, जबकि हमने मेटल्स में पढ़ा था कि वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाती हैं। और वैलेंसी जो है वो डिपेंड करती है कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, जबकि मेटल के केस में वैलेंसी डिपेंड करती है कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, जिस तरह से हमने सोडियम और कैल्शियम की पढ़ी थी वहाँ पर। यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं जी वैलेंसी ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक चाहिए उसे 8 पूरे करने के लिए, यानी अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और बना देगा Cl-1, राइट। इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, नेगेटिव चार्ज आ गया, एन आयन बन गया, जो इस चीज़ की इंडिकेशन है दैट इट इज नॉन मेटल। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ऑक्सीजन की, जो कि एक्सेप्ट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों एक्सेप्ट करेगा 2? बिकॉज इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 पूरे करने के लिए, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर लेगा, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा -2 और इसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा, राइट जी। तो जो मेटल्स की वैलेंसी है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं। और नॉन मेटल की वैलेंसी इस चीज़ पर डिपेंड करती है कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए हैं। मेटल्स जो हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, नॉन मेटल्स पर नेगेटिव चार्ज आएगा। मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करेंगी, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करेंगी। मेटल्स सखी होती हैं और नॉन मेटल्स भूखी होती हैं, इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं उन्हें, राइट जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी। जिस तरह से हमने कंपैरिजन पढ़ा था इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी का, इसी तरह से हमारे पास कंपैरिजन है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी का, या नॉन मेटेलिक करेक्टर का। वहां पर हमने देखा था मेटेलिक करेक्टर, अब हम देखते हैं जी नॉन मेटेलिक करेक्टर। सो जो नॉन मेटेलिक करेक्टर है वो डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, राइट। अगर हम बात करें स्मॉल साइज एटम, बिकॉज हमें पता है नॉन मेटल्स जो है पीरियोडिक टेबल में राइट साइड पर प्रेजेंट है, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है, तो नॉन मेटल का साइज भी छोटा होगा। चूंकि इनका साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन को हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी ज़्यादा होती है। जितनी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा उतना नॉन मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, इस हेडिंग में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंपैरिजन आएगा, ठीक हो गया। ओके, सो जितना साइज छोटा होगा उतने आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन ज़्यादा, क्योंकि न्यूक्लियस ज़्यादा एक्सपोज है ना अट्रैक्शन से। साइज जो छोटा है
ग्रिप होगी उसकी अपने इलेक्ट्रॉन्स पे, तो वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को भी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। चूँकि साइज छोटा है इलेक्ट्रॉन के लिए, आने वाले इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी, तो वो ज़्यादा एनर्जी लूज करके आएगा, जिसके रिजल्टेंटली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी ज़्यादा होगी और अल्टीमेटली हमारे पास जो नॉन मेटेलिक करेक्टर है वो भी ज़्यादा होगा। तो अगर हम ग्रुप की बात करें तो वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है नॉन मेटेलिक करेक्टर, रीजन साइज इंक्रीज होता जाता है टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम शेल नंबर बढ़ते हैं, साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने की वजह से अल्टीमेटली क्या होगा कि आने वाले इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन नहीं रहेगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होगी और नॉन मेटेलिक करेक्टर भी कम होगा। अगर हम लेफ्ट टू राइट की बात करें तो राइट साइज पे साइज छोटा होता जाता है, बिकॉज हमें बताया लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि शेल नंबर सेम रहता है, इलेक्ट्रॉन नंबर बढ़ते हैं और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से अट्रैक्शन बढ़ती है, अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से साइज कम हो जाता है, साइज कम हो जाता है तो वहाँ पर आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन बढ़ जाती है। जब अट्रैक्शन बढ़ेगी तो एनर्जी ज़्यादा लूज होगी, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होगी तो नॉन मेटेलिक करेक्टर भी ज़्यादा होगा। राइट जी, सो नॉन मेटेलिक करेक्टर टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा, इसलिए हमारे पास पीरियोडिक टेबल में राइट साइड पर नॉन मेटल्स प्रेजेंट है, राइट टॉप पे। फ्लोरीन इज द मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट, रीजन इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा हाई है और वो कितनी है? 4। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी है, 4 है हमारे पास। नॉन मेटल जो पीरियोडिक टेबल में उनको डिस्कस कर लेते हैं जी, उसमें हमारे पास हैं राइट। अब मैं आपको एलिमेंट्स का नाम बता दी जाती हूँ और आप उसको साथ साथ देखते जाएं, साथ जो आपके पास टेबल नज़र आ रहा है उसमें आपके पास हैं जी। ग्रुप 14 में कार्बन नज़र आ रहा है, नॉन मेटल्स ऊपर हाईलाइट हुआ हुआ है, ग्रुप आपके पास 14 है और कार्बन आपको नज़र आ रहा है। ग्रुप 15 में आपके पास नाइट्रोजन और फॉस्फोरस हैं, ग्रुप 16 में ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम है और ग्रुप 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन है। तो ये इतनी सी नॉन मेटल्स प्रेजेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। इसके बाद थोड़ी सी मेटलॉइड्स आती हैं और उसके बाद लेफ्ट साइड पे जितनी भी हैं वो सारी की सारी मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स, राइट जी। तो यहाँ पर आपके पास नॉन मेटल्स आ गई और नॉन मेटल के साथ जो ग्रुप 18 है उसमें आ जाती हैं जी नॉबल गैसेस, जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और ज़ीनॉन है, ठीक हो गया। ये आपको नाम याद होने चाहिए कौन से ग्रुप में कौन सी नॉन मेटल प्रेजेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स को देख लेते हैं। नॉन मेटल याद रखिएगा सारी फिजिकल स्टेट्स में प्रेजेंट होती हैं, ये हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में भी देखा था कि हमने कहा था कि मेटल्स जो हैं वो ज़्यादातर हार्ड हैं और सॉलिड्स हैं, ठीक है। जबकि नॉन मेटल्स जो हैं वो तीनों फिजिकल स्टेट्स में प्रेजेंट हैं, सॉलिड भी हैं, लिक्विड भी हैं और गैसेस भी हैं। इस तरह से अगर हम देखें इस टेबल में तो यहाँ पर आपके पास जो ब्रोमीन है वो लिक्विड है, जो आपके पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन है ये गैसेस हैं, जबकि कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर, सेलेनियम और आयोडीन जो है वो सॉलिड्स हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन गैसेस, कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, आयोडीन सॉलिड्स और ब्रोमीन लिक्विड। इसका मतलब नॉन मेटल जो है वो सारे के सारी फिजिकल स्टेट्स में प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले तो ये बात हो गई कि ये ब्रिटल हैं, ब्रिटल का मतलब ये होता है कि ईजिली ब्रेक हो जाती हैं, बैड कंडक्टर्स हैं, जबकि हमने मेटल्स में पढ़ा था कि वो गुड कंडक्टर्स हैं। मेटल्स गुड कंडक्टर क्यों हैं? क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। और नॉन मेटल बैड कंडक्टर क्यों हैं? क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, वो तो ऑलरेडी बुक ही हैं, उनको तो मजीद इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो फिर वो कंडक्टर कैसे हो सकती हैं? वो पाथ ही प्रोवाइड नहीं करेंगी करंट को फ्लो करने के लिए, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। याद रखिएगा ग्रेफाइट जो है दैट इज़ अ नॉन मेटल, दैट इज़ एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, बट इट इज़ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। शाइनी नहीं होती मेटल्स में, हमने कहा था दे आर लस्ट्रस, दे आर शाइनी, उनका खास किस्म का लस्ट होता है, खास किस्म की टन की आवाज़ आती है जब उनको हिट करते हैं। लेकिन अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो वो शाइनी नहीं है, दे आर डल, डल हैं एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन जो है वो लस्ट्रस है लाइक मेटल, आयोडीन एक्सेप्शन है। जिस तरह से ऊपर हमारे पास ग्रेफाइट एक्सेप्शन है, इस तरह से यहाँ पर आयोडीन एक्सेप्शन है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास आता है दे आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड इज अगेन एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, कार्बन का एक एलोट्रॉप है डायमंड, जो कि सॉफ्ट नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड है,
ठीक है, इसमें खास किस्म का कोवलेंट बॉन्ड होता है जिसको हम जेंट कोवलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं, और उस बॉन्ड की वजह से ये हार्ड होता है, बाकी सारी की सारी नॉन मेटल्स जो हैं वो सॉफ्ट हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अगर हम बात करें तो मेटल्स के केस में हाई थे जबकि नॉन मेटल्स के केस में लो हैं, एक्सेप्ट सिलिकॉन, ग्रेफाइट एंड डायमंड। एक्सेप्शंस आप लोगों ने लाजमी याद करनी है बिकॉज यहीं से एमसीक्यू उठाता है वो एग्जामिनर, राइट जी। लास्ट में आपके पास आता है दे हैव लो डेंसिटीज, जबकि मेटल्स में हमने पढ़ा था दे हैव हाई डेंसिटीज, ठीक है। तो जो नॉन मेटल्स हैं उनकी डेंसिटीज लो होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा जी, दे आर डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स की भूखी होती हैं, इनको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके एन आइंस बना देते हैं और स्टेबल हो जाती हैं हमारे पास। दे फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स बनाती हैं विद मेटल्स एंड कोवलेंट कंपाउंड्स बाय रिएक्टिंग विद अदर नॉन मेटल्स। याद रखिएगा मेटल और नॉन मेटल के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो हमेशा आयोनिक बॉन्ड होता है, बिकॉज मेटल्स का हमें पता है इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं। तो अगर हमारे पास कैटाइन बन रहा है, एनाइन बन रहा है, तो उनके दरमियान में आयोनिक बॉन्ड होगा और उस कंपाउंड को हम आयोनिक कंपाउंड कहेंगे। लेकिन उसके मुकाबले में अगर हम बॉन्ड देखें बिटवीन द टू नॉन मेटल्स लाइक बिटवीन क्लोरीन एंड क्लोरीन, तो वहाँ पर Cl2 बॉन्ड बनेगा। Cl2 के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। सो मेटल और नॉन मेटल का हमेशा आयोनिक बनता है और नॉन मेटल का दो नॉन मेटल्स का कोवलेंट बॉन्ड बनता है। नॉन मेटल्स यूजली डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती आमतौर पर, और इसके अलावा डाइल्यूट एसिड्स के साथ भी रिएक्ट नहीं करती। रीज़न क्या है जी, नॉन मेटल्स आर इट्सेल्फ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, एसिड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के साथ तो रिएक्शन नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो इसीलिए नॉन मेटल भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं, एसिड्स भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं, तो इनका रिएक्शन नहीं होता क्योंकि दोनों ही एक्सेप्टर हैं। रिएक्शन होने के लिए एक डोनर होना चाहिए, एक एक्सेप्टर होना चाहिए। अच्छा जी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 14, 15, 16 एंड 17 आर हायर। फर्स्ट मेंबर्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज हैं वो हायर हैं बिकॉज हमें पता है जी टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज डिक्रीज होती हैं। ये आपके पास ट्रेंड दिखाया हुआ है, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है जो कि 4 है, उसके बाद ऑक्सीजन की है आई थिंक राउंड अबाउट 3.5, क्लोरीन की हमारे पास होती है 3.2, नाइट्रोजन की होती है 3, देन हमारे पास ब्रोमीन आ जाती है, देन सल्फर है, कार्बन है, आयोडीन है और फॉस्फरस है। तो उन्होंने यहाँ पर सारी की सारी जो नॉन मेटल्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ का ट्रेंड बताया हुआ है, डिक्रीजिंग ट्रेंड कि किसकी सबसे ज़्यादा होगी और उसके बाद कम की तरफ हमने मूव करते जाना है। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, उससे कम ऑक्सीजन की, उससे कम क्लोरीन की, नाइट्रोजन की। इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये ट्रेंड याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है जी कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज़ ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस पहले सुन लें क्या है जी, ग्रुप 17 की जो नॉन मेटल्स हैं उनको हम हैलोजेंस का नाम देते हैं और उसमें हमारे पास आ जाती हैं जी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। तो इन सबको हम क्या कहते हैं जी, हैलोजेंस, ग्रुप 17 की मेटल नॉन मेटल्स को, ठीक है। इसमें से अगर हम फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करें तो वो गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, अगर हम आयोडीन ब्रोमीन की बात करें तो वो लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है। इस ट्रेंड से हमें ये पता चलता है कि टॉप टू बॉटम इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंक्रीज हो रही हैं क्योंकि फ्लोरीन क्लोरीन गैसेस हैं, ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है, गैस लिक्विड और फिर सॉलिड। हमें पता है जी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सबसे ज़्यादा वीक गैसेस में होती हैं, उसके बाद लिक्विड्स में स्ट्रॉन्ग होती हैं, उसके बाद सॉलिड्स में स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ रही हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बढ़ने की वजह से हमारे पास जो स्टेट है, फिजिकल स्टेट है, वो चेंज हो रही है फ्रॉम गैस टू लिक्विड, फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। यही वजह है कि हमारे पास जो ब्रोमीन है दैट एग्जिस्ट एज सॉलिड एंड आयोडीन एज ब्रोमीन एग्जिस्ट एज लिक्विड एंड आयोडीन एज सॉलिड। तो यहाँ पर क्वेश्चन भी लिख लीजिएगा कि वाई फ्लोरीन एंड क्लोरीन एग्जिस्ट एज गैसेज वाई ब्रोमीन एज लिक्विड या आयोडीन एज सॉलिड। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है यहाँ पर। ये आपको दिया हुआ है जी टेबल आपकी बुक पे, जिसमें आपके पास फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है, एटॉमिक नंबर्स है जी 9, 17, 35, 53।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में बताया जी NS2NP5 होगी, NS2NP5। अब ये N जो है ये 2 हो जाएगा फ्लोरीन के लिए, 3 हो जाएगा क्लोरीन के लिए, ब्रोमीन के लिए 4 हो जाएगा और आयोडीन के लिए 5 हो जाएगा, बिकॉज इनके वैलेंस शेल के नंबर इंक्रीज कर रहे हैं ना, पीरियड नंबर चेंज हो रहा है। ठीक है जी, कलर इनके बड़े इंपॉर्टेंट है, कलर नहीं भूलने आप लोगों ने। MCQ में पूछा जाता है अक्सर, कलर पूछ लेते होते हैं। फ्लोरीन का जो कलर है वो पेल येलो है, क्लोरीन का ग्रीनिश येलो है, ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन है और आयोडीन का पर्पल ब्लैक है। मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज आपको याद होनी चाहिए, लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कलर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज है, राइट जी। क्वेश्चन लिख लीजिएगा जी, व्हाई हैलोजन फॉर्म आयोनिक बॉन्ड विद मेटल एंड कोवेलेंट बॉन्ड विद नॉन मेटल्स। ठीक है जी, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है जी नीचे जो राइट वाला इमेज है उसको देखिएगा, एक तरफ आयोनिक है और एक तरफ मॉलिक्यूलर है। जो आयोनिक वाले हैं उसमें एक एनाइन है, एक कैटाइन है। कैटाइन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कैटाइन इलेक्ट्रॉन दे रहा है ब्लू वाला, और पिंक वाला जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है आयोनिक में। क्योंकि कोवेलेंट में अगर आप लोग देखो या मॉलिक्यूलर में अगर आप लोग देखो तो वहाँ पर शेयरिंग हो रही है। ठीक है, वो दोनों कह रहे हैं कि चलो हम शेयर कर लेते हैं, हम बडीज हैं तो हम शेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो आयोनिक बॉन्ड जब बनेगा तब हमारे पास एक मेटल होगी और एक नॉन मेटल होगी। जिस तरह से NaCl में भी यही होता है कि Cl जो है वो कहता है जी मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, बिकॉज Cl इज़ नॉन मेटल और नॉन मेटल आर इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट। जिस तरफ हमारे पास सोडियम है तो वो मेटल है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी, क्लोरीन गेन कर लेगा, तो यहाँ पर हमारे पास NaCl बन जाएगा। दैट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ आयनिक कंपाउंड बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। तो यहाँ पर होता ये है कि जो हमारे पास नॉन मेटल्स हैं, अगर हम बात करें स्पेसिफिकली हैलोजेंस की, तो हैलोजेंस में हमारे पास NS2NP5 है, एक चाहिए इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेंगी और बना लेंगी कौन सा बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, या दूसरा हमारे पास ये हो सकता है कि वो शेयर कर लें उस इलेक्ट्रॉन को। जिस तरह से अगर हम बात करें Cl2 की, तो वो दोनों Cl जो है एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। इस तरह से F2 है तो फ्लोरीन जो है इसकी मॉलिकुलर फॉर्म, उसमें भी जो फ्लोरीन है वो अपने वैलेंस शेल का एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, और दो नॉन मेटल्स के इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के नतीजे में वहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। लेकिन अगर यही क्लोरीन या फ्लोरीन जो है वो किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, लाइक सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे, तो वो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, यानी वहाँ पर लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, कैटाइन बनेगा और एनाइन बनेगा। सो आप लोगों ने लर्न करना है जी नॉन मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स एंड कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस। इसके बाद हमारे दो टॉपिक रह गए हैं चैप्टर के, और उसके बाद हमारी बुक खत्म हो जाएगी, राइट जी। थैंक यू।